ये लॉक हो गया, अब ये लॉक हो गया, अब ये लॉक हो गया, अब ये नहीं खुलेगा जाके, मेरा नाम वजी है और आज की जो वीडियो है हमारी ये चॉपर्स पे होने जा रही है और मैंने चॉपर्स पे अभी तक हमने वीडियो नहीं करी थी। जूसर ब्लेंडर पे हमारी एक वीडियो थी जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की थी, तो आई थॉट कि हम चॉपर्स पे थोड़ा सा एक रिव्यू करें उनके प्राइजेज और के क्या क्वालिटी में क्या फ़र्क है और कितने वराइटीज़ आ रहे हैं, ब्रांड्स कौन से हैं, उनकी वारंटी क्या है और टेक्निकली क्या फ़र्क है। अगर लेट से एक चॉपर 30,000 रुपये का है और वही चॉपर किसी और ब्रांड में 8,000 या 10,000 रुपये का है तो क्या फ़र्क क्या है एग्जैक्टली, तो आज हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो कादिर साहब आज मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है कादिर भाई? का शुक्र। तो कादिर भाई थोड़ा सा चॉपर्स पे बताएं कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बताएं। हम स्टार्ट करते हैं ब्रॉन से। ठीक है, अच्छा ब्रॉन के अंदर जो फूड प्रोसेसर है पूरा ये चॉपर, तो चॉपर है, ब्लेंडर है और ग्राइंडर भी इसके अंदर इंक्लूड है। वैसे नुमान करीब आके वैसे फूड प्रोसेसर में ग्राइंडर बहुत कम आता है, ठीक है, इसके साथ उन्होंने ग्राइंडर भी दिया। अच्छा ग्राइंडर के अंदर दोनों चीजें आप भी हो सकती हैं, वेट एंड ड्राई दोनों हो सकती है। ये वाला ग्राइंडर ना, ये वाला नुमान दिखाओ। अच्छा ये ग्राइंडर यूजली 3132 जो ब्रॉन का ये वाला मॉडल है इसमें आता है, इसके साथ आ रहा है। ठीक है, इसके साथ इन्होंने ब्लेंडर भी दे दिया एक, ठीक है। अच्छा इन्होंने एक वेजिटेबल कटर दिया है जो बोथ साइड यूज होती है, ठीक है, ठीक है। एक वेपिंग ब्लेड दिया हुआ है उन्होंने इसका मिक्सिंग के लिए, और ये डो मिक्स करने के लिए आटा है, मैदा है, इस टाइप की चीज़ों को मिक्स करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर अच्छी है, 800 वाट्स है। मेरे ख्याल में सारे चॉपर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रॉन ही है हमारे पास। 800 वाट की मोटर है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और इसकी वारंटी क्या है कादिर भाई? 1 ईयर वारंटी है, ठीक है। अच्छा वारंटी के लिए आपको इजी है कि आप हमारे पास ला सकते हैं, हम आप ही इसकी वारंटी को अवेल कर सकते हैं, करवा सकते हैं कंपनी से। कंपनी हमें खास इसके फैसिलिटी देती है इस चीज़ की कि हम कंपनी से डायरेक्ट हम करवा सकते हैं आपकी इसकी वारंटी, हालांकि वारंटी कंपनी की होती है लेकिन हम करवा देते हैं, आप असिस्ट कर सकते हैं। जी जी ठीक है, और बताएं इसके बाद फिर मोलिनेक्स आ जाएं, ये वाला। हाँ मोलिनेक्स के अंदर चॉपर है, इसके अंदर ब्लेंडर है और ये इसके साथ वेपिंग का है, ये सब्जी का है, ठीक है, ये अटैचमेंट है इसके साथ, ठीक है, ठीक है। बाकी इसकी मोटर भी अच्छी है, 600 वाट्स है। 600 वाट्स नहीं है ये वाली, तकरीबन 750 वाट्स है और ये मेड इन फ्रांस है और कोई भी फ्रांस नहीं है, और ब्रॉन भी मेड इन चाइना, वो चाइना मेड इन चाइना, चाइना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो दो नंबर है, वो है जेन्युइन ब्रॉन ही है, लेकिन ये मेड इन फ्रांस है। अच्छा यूजली लोग ब्रॉन और मोलिनेक्स में बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, तो आप कितने साल से काम कर रहे हैं माशाल्लाह, 25-30 साल का आपका भी एक्सपीरियंस है, सेल कर रहे हैं आप, तो ये थोड़ा सा बताएं कि ब्रॉन और मोलिनेक्स में क्या फ़र्क है और ब्रॉन और मोलिनेक्स में कौन सा बेहतर है प्राइस के भी हिसाब से, क्योंकि ये तकरीबन गालिबा 24-25,000 रुपये का है, मोलिनेक्स ये तकरीबन 32,000 रुपये के करीब इसकी प्राइस है, तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है? ब्लेंडर्स भी देखें, अगर हम ब्लेंडर्स दिखाएंगे मोलिनेक्स का है वाइट वाला, इतवा के शुरू से इनके अंदर प्राइस का इतना ही डिफरेंस रहा है, आज से नहीं शुरू से मोलिनेक्स का हमेशा प्राइस थोड़ा नीचे रहे और ब्रॉन के हमेशा प्राइस ऊपर ही रहे, उसके बाद फिर कैनवुड आता है, ठीक है। कैनवुड के इन दोनों से प्राइस कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, हालांकि ब्रॉन भी चाइना है और ये कैनवुड भी चाइना है, लेकिन प्राइस का आप देखें तो चले पहले तीनों का कंपैरिजन करते हैं। उससे पहले कैनवुड पे थोड़ा सा बताएं, कैनवुड का क्या है, कैनवुड कैसा है, थोड़ा इसका एक्सप्लेन करें। ब्रांड अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रांड है। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल इसका 190 FP, ठीक है। इसकी मोटर है 600 वाट्स की, ठीक है। नुमान के करीब से दिखाएं, ठीक है। इसके अंदर एक्सेसरीज आई हुई है इसके साथ, इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज है इसमें ऑरेंज जूसर भी दे दिया उन्होंने और ये सब्जी का दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। एक ऑरेंज जूसर है, वेजिटेबल है और ये वाइपिंग है इसका भी, और एक चॉपर है और ये ब्लेंडर है, सही है, ठीक है। ये इसके अटैच, लेकिन ये चॉपर इसका काफी छोटा है, इसका साइज छोटा है चॉपर का, चॉपर बनिस्बत थोड़ा छोटा है, ठीक है। और ये तकरीबन 16,500-18,500 के बीच में है प्राइस इसकी, और प्राइस की मैं सबके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके एग्जैक्ट प्राइस हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो प्राइस को हम सरसरी सा डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा। जी कादिर भाई, अच्छा फिर आ जाते हैं हम इस पे NX पे।
ठीक है। नहीं एनएक्स पे आने से पहले आप मुझे ये बताएं कि ये तीन, क्योंकि ये एक ब्रांड है, एक ही टियर में आते हैं सारे, एक कैटेगरी के ब्रांड्स हैं, इनमें से अगर हमें लेना हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे? लेकिन इसमें ये भी प्राइस को भी हमने मद्देनजर रखना है, क्योंकि एक प्रोडक्ट 16,500 रुपये का है, एक प्रोडक्ट 32,000 रुपये का है, एक प्रोडक्ट 25,000 रुपये का है। तो अगर हम वैल्यू के हिसाब से बात करें, वैल्यू फॉर मनी, तो वैल्यू क्या प्रोवाइड, मेरे ख्याल है वो तो फिर कैनवुड ही है, कैनवुड ही है, फर्स्ट नंबर कैनवुड है। सेकंड नंबर पे आ जाए तो आप मोलिनेक्स कह सकते हैं, फिर थर्ड नंबर में ब्रॉन था। लेकिन डिमांड जो हमारे पास जो होती है ना, ज़्यादातर कस्टमर रुकता है हमारे पास लेने से सिर्फ प्राइस की वजह से रुकता है, ब्रॉन को आके मांगता ब्रॉन ही हमसे कि ब्रॉन का आइटम, जब प्राइस देखता है फिर पीछे जो ब्रांड गुडविल है वो तो ब्रॉन की बनी हुई है, शुरू से ही है ब्रॉन की, ब्रॉन की गुडविल बहुत जबरदस्त। उसके बाद आप कर सकते हैं मोलिनेक्स हो गया, कैनवुट हो गया, और अब तो खैर आप एस्पर्ड और एनएक्स भी कुछ उस पर भी आ गए, उस पर बात कर रहे हैं। तो ये इनमें क्वालिटी के हिसाब से अच्छा है, वो एक जो बात हम वीडियो बनाने से पहले कर रहे थे कि ब्रॉन की क्वालिटी के हवाले से, ब्रॉन वाहिद इन सब चॉपर्स में से चॉपर है जिसके अंदर नीचे एक फैन लगा हुआ है, फैन ओवरहीटिंग के लिए। ये मैं अगर दिखाऊं नुमान, ये जरा दिखाओ अगर ये जूम हो सकता है, यहाँ पे एक फैन दिया हुआ है जो कि किसी के अंदर फैन नहीं है, ये ओवरहीटिंग के लिए प्रोटेक्ट करता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो हमारे लिए भी हमने मैंने लर्न करी कि इसमें इस तरह की भी सेफ्टी मैकेनिज्म्स इन्होंने दिए हैं, बाकी किसी में नहीं, बाकी किसी में भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम तीनों से कहें तो आप कहते हैं कैनवुड प्राइस की वजह से जरा बेहतर है, प्राइस भी क्वालिटी भी बेहतर है इतनी, वो उदाहरण को मैं कहूँ कि खराब क्वालिटी है लेकिन नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन प्राइस के हिसाब से लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये ग्लास है? नहीं प्लास्टिक है, सब प्लास्टिक पे ही होगा सब, ये ग्लास नहीं, नहीं प्लास्टिक पे सारा, ये भी इनकी भी चक्स। वारंटी क्या है इनकी? वन ईयर, इन तीनों की वन ईयर है, वन ईयर है सब, वन ईयर है। लेकिन वारंटी क्लेम किसकी ज़्यादा आसान है या सबके? वैसे हमारे लिए, वैसे तो जैसे आप बड़े स्टोर से परचेस करते हैं वो तो आपको लिफ्ट ही नहीं, वो तो समझे आपको लिफ्ट ही नहीं कराते, लेकिन हमारे पास ये है कि सहूलत है, हमने दी हुई है कस्टमर को कि आप हमारे पास ला सकते हैं, हम आपको करवा के दे सकते हैं, सही है, बस ठीक है, और कुछ नहीं। तो वारंटी का एज सच कोई कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ओके। अच्छा अब हम आ जाते हैं जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं जैसे एनएक्स और वेस्टफॉन, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो हमने वही रखे हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो पता नहीं उनका तो कोई ऐसा कोई ब्रांड ना लें जो बाद में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बने। लेकिन वैसे एक जगह है वेस्टफॉन और एनएक्स को परचेस करने से पहले कस्टमर का जेन ये होता है कि यार दो तीन साल भी चल जाए बहुत है, प्राइस के हिसाब से ना, जो प्राइस उसकी जो रेंज है वो कम है तो सही है। अच्छा तो ये बताएं कादिर भाई, ये एनएक्स और वेस्टफॉन के पहले किससे स्टार्ट कर रहे हैं? एनएक्स से देख लें, एनएक्स दिखाओ, एनएक्स के अंदर ये चॉपर है इसके अंदर, और एक वेजिटेबल कटर है, बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ा साइज बड़ा है इसका, ये इसका चॉपर का साइज देख लें, काफी बड़ा, सबसे बड़ा इसके साथ उन्होंने एक्स्ट्रा ये वेजिटेबल का दिया हुआ उन्होंने, ये भी इसके साथ ही अटैच होता है, ठीक है ठीक है। और ये ब्लेड दिया हुआ इसका, इसके ब्लेड भी दोनों साइड यूज होते हैं, ठीक है। ये इसका कवर है, अच्छा इसकी जो पावर है मोटर की 500 वॉट्स है, एनएक्स की पावर कम है, इसकी पावर कम इनके मुकाबले में कम है, लेकिन पावर कम है लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, काम कर देता है, अच्छा करता। और ये वेस्ट पॉइंट का जो है, वेस्ट पॉइंट जरा दिखाइए, चॉपर है एक सब्जी वेजिटेबल कर रहे हैं बस, ये दो चीज़। ये एनएक्स और वेस्टफॉन की साइज दोनों सेम है? हाँ नहीं, वेस्टफॉन का बड़ा है, वेस्टफॉन का थोड़ा सा बड़ा है, मेरे ख्याल सबसे बड़ा चॉपर वेस्टफॉन में आता है। और दूसरी चीज एक और है कि मेरे ख्याल अगर आपको सिर्फ चॉपर लेना है तो सिर्फ चॉपर वेस्टफॉन और एनएक्स में ही आता है, ऐसा ही है जी, अगर सिर्फ चॉपर चाहिए इस टाइप के, हाँ सिर्फ एक अटैचमेंट होता है सिर्फ सब्जी का साथ, सबके साथ वो वरना अगर इम्पोर्टेड में लेने जाए तो चॉपर अलग से नहीं मिलता, वरना मोलिनेक्स में आते हैं लेकिन वो छोटे चॉपर आते हैं जो पहले जो एक आते हैं, हाँ इसका नंबर है 320 जी, वो वाला मोलिनेक्स बहुत छोटा वाला है, पुराना मॉडल है वो लेकिन वो छोटा साइज बहुत छोटा, तकरीबन साइज बहुत छोटा, बहुत छोटा सही है। और इनके साइज दोनों अच्छे हैं, सही है। और वारंटी के हवाले से बताएं, इनकी वारंटी एनएक्स और वेस्टफॉन की तो आपको 2 ईयर है, दो साल है, इनकी ब्राउन हो गया, मोलिनेक्स हो गया, कैनवुड हो गया, इनकी एक एक साल है, 1 ईयर है। वेस्टपॉइंट और एनएक्स की वारंटी में से किसकी वारंटी बेहतर है?
हमारे साथ तो सभी की अल्हम्दुलिल्लाह कंपनियां तकरीबन कंपनियां हमसे सपोर्ट कर रही हैं, बहुत करती हैं हमारे से। हमें कोई शिकायत नहीं है कंपनियों से इस मामले में, सही खासतौर पर किचन अप्लायंसेस पे। प्राइस के हवाले से बताएं कि ये प्राइस क्या है वेस्ट पॉइंट। अच्छा, इनके प्राइस एनएक्स और वेस्ट पॉइंट के प्राइस में तकरीबन 500 या 800 का थोड़ा डिफरेंस रहता है। वैसे क्या प्राइस है, एक्सेसरी सा बता दें वो तो वेबसाइट वैसे पे। ये आप तक समझ लें 12,500 से लेके 13,000 तक दोनों। हाँ तकरीबन दोनों बाकी अपनी। लेकिन वेस्ट पॉइंट का ये कि वेस्ट पॉइंट की गुडविल अब बन गई है, वेस्ट पॉइंट बिकता है बहुत। सेल जिसको अगर देखेंगे ना आप सेल पॉइंट सेल का देखेंगे तो सेल वेस्ट पॉइंट की और एनएक्स की ज़्यादा है, सस्ता बहुत है ना। हाँ हर आदमी सपोर्ट नहीं कर सकता इसको, यानी कहाँ 12,500 और कहाँ, यानी कैनवुड तो खैर बहुत अच्छी प्राइस है मैं तो समझता हूँ, लेकिन कहाँ 12,500 या 12,500 कहाँ 25,000-35,000 रुपये 32,000 रुपये फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। लेकिन ये कि उसमें फिर ब्लेंडर नहीं मिल रहा, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें मिलती हैं, इसमें आपको सिर्फ चॉपर मिल रहा है। तो बॉलीनेक्स में आते हैं दूसरे, मतलब दूसरे मॉडल आते हैं जिनमें आपको ब्लेंडर भी मिलता है ग्राइंडर भी मिलता है, लेकिन फिर वो प्राइस इनसे ऊपर हो जाती है। नहीं लेकिन हम तो अभी चॉपर्स कंपेयर कर रहे हैं ना, अगर हम चॉपर्स ही की बात करें तो चॉपर में तो फिर ये है ना। अब आप देखें ना, अगर हम सिर्फ प्राइस की बात करें, अगर एक 11,500-12,500 में आपको चॉपर मिल रहा है और वही प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कैनवुड में चले जाते हैं जिसमें ब्लेंडर भी मिल रहा है आपको और चॉपर, ऑल दो चॉपर छोटा है लेकिन 11,500-12,500 रुपये का जो चॉपर ले रहा है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि वो कैनवुड के ब्लेंडर भी ऑप्शन अवेलेबल है। और ये ऑल्दो साइज छोटा है लेकिन जिसको हाँ इतना साइज छोटा नहीं है ये कादिर भाई, एक नॉर्मल तो हाँ उनके मुकाबले में कहते हैं कि तो बहुत छोटा है लेकिन ये फिर भी नॉर्मल है, एक अच्छी बड़ी फैमिली के लिए अच्छा है। तकरीबन हाफ 500 तीन पो तो होगा, आधा किलो या तीन पो साइज तो होगा, आ जाएगा आराम से आएगा। कंप्लेन का कंप्लेन रेशियो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग करते हैं कंप्लेन किस में आ रही है या आप क्या समझते हैं कि कंप्लेन कम से कम किस प्रोडक्ट में। मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल है ये। कंप्लेन देखिए किसी में भी आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है भाई, ब्रॉन है, मॉलिनेक्स है, कैनवुड है, वेस्ट पॉइंट, एनएक्स, किसी में भी आ सकते हैं, लेकिन रेशो हमारे पास बहुत कम है सब आइटमों का। तक कि मैं ब्रॉन को तो समझ लिया जीरो है, मॉलिनेक्स का भी मॉलिनेक्स में भी कंप्लेन। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है उसका बजट भी है हर चीज़ है, वो कह रहे हैं यार मुझे एक प्रोडक्ट दे दें आप जो कि सबसे अच्छा है, तो वो आप क्या प्रेफर करेंगे। देखिए मैं जिसका बजट है वो कहता है नहीं यार मुझे ऐसा प्रोडक्ट दे दें कि मेरी यार मतलब जान प्राइस को इशू नहीं है जान छूट जाए, तो फिर मैं ब्रॉन और मॉलिनेक्स कैनवुड तीन को मैं सही है और रैंक वाइज करता हूँ, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर, ठीक है। और एक प्रोडक्ट एक कस्टमर आता है वो कहता है कि यार मेरा बजट नहीं है या मेरा बजट है लेकिन मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट दे दें जो वैल्यू फॉर मनी हो, ठीक है, यानी प्रोडक्ट भी अच्छा हो, पैसे भी बेहतर हो, फंक्शन भी अच्छे हो, तो फिर मैं कैनवुड को ही कैनवुड देंगे। कैनवुड इस वक्त बहुत अच्छे प्राइस में है। सही है। देखा जाए तो कैनवुड जो आइटम दे रहा है इसमें कोई भी इस प्राइस में कोई नहीं दे रहा भाई, जैसे ब्राउनी देख लेना तकरीबन 35-32 प्राइस में, इसमें अब तो आपको तीन चार फंक्शन मिल रहा है, इसमें आपको पूरे फंक्शन मिल रहा है और सिट्रस भी है, सिट्रस कोई भी नहीं दे रहा, किसी में नहीं देता सिट्रस, हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा है इसकी, मॉलिनेक्स की भी ज़्यादा है प्राइस, लेकिन इसमें वो सिट्रस का फंक्शन नहीं है। आई थिंक वो एक्चुअली ब्रॉन की गुडविल और ब्रॉन का इमेज इतना ज़्यादा बड़ा है कि लोग ब्रॉन करते रहते हैं। मेरे ख्याल है कैनवुड ओवरऑल देखा जाए तो कैनवुड इज अ वेरी गुड ऑप्शन, कैनवुड का भी है, जो कैनवुड का जो परचेजर है ना वो कैनवुड ही लेगा, जो ब्रॉन का है वो ब्रॉन लेता है, ये तो है। बाकी मॉलिनेक्स भी है बीच में। ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कोई और वीडियो, कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग देखना चाहें तो हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। अल्लाह हाफिज़।